हेलो गाइस टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इट्स क्लासिफिकेशन एंड इन क्लासिफिकेशन वी विल डिस्कस द टाइप वन एंड टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी तो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी को देखते हैं कि ये इट इज़ द स्टेट ऑफ अनडिज़ायरेबल रिएक्शन बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम इन विच इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट अगेंस्ट वेरियस टिमूलाए दीज आर नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी और इनटॉलरेंस हाइपर सेंसिटिविटी को बेसिकली हम एलर्जी uh, भी कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं अगर देखा जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम का हम हमारी बॉडी में क्या रोल है इम्यून सिस्टम जोन है वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है अगर इम्यून सिस्टम पैथोजेंस की बजाय ऐसे सब्सटेंसेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे जो कि हार्मफुल नहीं है जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है उनके खिलाफ अगर एज रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें इम्यून सिस्टम तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली एक एग्जेजरेटिड रिस्पॉन्स है मतलब कि बढ़ा चढ़ा का रिस्पांस है हमारे इम्यून सिस्टम का उन सबस्टांसिस के खिलाफ जो कि हार्मफुल नहीं है इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं अब प्रोटेक्टिव रोल ऑफ इम्यून सिस्टम बिकम्स हार्मफुल इम्यून सिस्टम जो कि एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिव की वजह से वो हार्मफुल रोल प्ले करना शुरू कर देता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स नेचर ऑफ इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन इन बेसिकली इन दो चीज़ों के ऊपर हम हाइपर uh, सेंसिटिविटी की क्लासिफिकेशन कर देते हैं अब नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्ड इसका क्या मतलब है इम्यून सिस्टम में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सेल्स भी हैं ह्यूमरल कंपोनेंट्स भी हैं जिसके अंदर इंजाइम्स हैं एंटीबॉडीज़ हैं तो सेल के जरिए जो एक्टिवेशन हमारी इम्यून सिस्टम की होती है वो डिफरेंट है सेल के ज़रिए जो एक्टिवेशन होगी इम्यून सिस्टम की वो डिफरेंट होगी और ह्यूमरल कंपोनेंट्स के जरिए जो इम्यून uh, सिस्टम की एक्टिवेशन होगी वो डिफरेंट होगी तो uh, जिस तरह से इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसी तरह इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन की अगर बात करें ओवर एक्टिवेशन में भी कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होगी इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ आगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन अब हाइपर सेंसिटिविटी की फोर टाइप्स हैं तो फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे पास कुछ हाइपर सेंसिटिविटी के जो टाइप्स हैं उनके अंदर हमें सिर्फ कुछ मिनट्स चाहिए होते हैं और किस किसी के अंदर हमारे पास डेज तक टाइम चाहिए होता है तो टाइम की बेसिस पे भी हम हाइपर सेंसिटिविटी को डिवाइड करते हैं अब टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर अब टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी को देखते हैं डिटेल में आल्सो नोन एज इमीडिएट और एनाफालाइटिक रिएक्शंस टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी का दूसरा नाम एनाफालाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं क्योंकि ये इमीडिएटली अकर होती है ये जल्दी रिस्पॉन्स शो करती है इन्वाल्व इन वेरियस टिशोज इन्वॉल्व इन वेरियस टिशूज़ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन जोन्या ये हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्य के अंदर इसको देखा जाता है अगर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी अकड़िन ये स्किन में भी आ सकती है हाइपर सेंसिटिविटी वन अकड़ हो सकती है नोज में भी लंग्स में भी भी अगर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी अकड़ इन स्किन दैन टू कंडीशन विल अकर टीकेरिया एंड एक जैमा अर्टी आति, एरिया का मतलब है कि स्किन के अंदर जब हो जाए तो स्वेलिंग हो जाती है और एक्जिमा का मतलब है कि स्किन की पीलिंग होना शुरू हो जाती है हमारी तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी आइज़ के अंदर हो जाए हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन आइज़ के अंदर हो जाए तो कंजक्टिवाइटस की एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है तो ये आ, होता है अगर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन नोज के अंदर हो जाए तो राइनोरिया और राइनाइटस की कंडीशन अपीयर होती हैं राइनोरिया यहाँ पे है फ्लोइंग ब्लड फ्रॉम द नोज को कहते हैं और रैनाइटस कहते हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज अगर यही लंग्स में हो जाए तो एस्थमा की कंडीशन अपीयर होगी अगर जीआईटी आई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हो जाए तो गैस्ट्रो इंटर, इंटर गैस्ट्रो इंटराइटस की कंडीशन अपीयर होगी सिम्टम्स आर ऑफ माइनर इनकनवीनियंस बट समाइम्स फैटल ये टाइप वन के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन सम केसेस में दे कैन बी फैटल यूजली रिएक्शन टाइम इज़ क्विक 15 टू 20 मिनट्स टाइप वन का रिएक्शन टाइम बहुत क्विक है टाइम्स कैन बी 10 टू 12 आवर्स इन सम केसेस में इनका जो है टाइप वन का जो टाइम है वो 10 से 12 घंटे भी हो सकता है दीज रिएक्शन आर मीडिएटेड बाई एंटीबॉडी आई जी ई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ये वाली जो टाइप टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी है ये इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है आई जी ई एंटीबॉडी प्राइमरी सेल्स लाइक बेजोफिल्स मेस्ट सेल्स आल्सो इन्वॉल्व इन रिएक्शन अब इस टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बेजोफिल्स और मैस्ट सेल्स मेजरली इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन रिएक्शन इज इम्प्लीफाइड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लेटलेट्स न्यूट्रोफ़िल्स, योसिनोफ़िल्स। अब प्लेटलेट्स इन ये सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन में मतलब के ये जो प्लेटलेट्स जो के सेल की ब्लड की कोकुलेशन करने में हेल्प करते हैं ये वो वाले सेल्स न्यूट्रोफिल्स और योसिनोफिल्स ये वाले सेल्स भी बेसिकली दीज सेल्स विल सप्लीमेंट दप्लीमेंट द बेजोफिल्ड अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म है व्हेन पर्सन इज एक्सपोज टू एंटीजन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैप्चर द एंटीजन एलर्जन एंड टेक देम टू हेल्पर टी सेल्स दीज हेल्पर टी सेल्स देन प्रोड्यूस केमिकल्स लाइक इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिन फाइव इंटरल्यूकिन थर्टीन तो ये सारा एक मैकेनिज्म लिखा हुआ है इसको हम डायग्रामेटिकली पहले देख लेते हैं फिर ऊपर इसकी रीडिंग कर लेंगे फर्दर ये एक एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में एंटर हुआ है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फर्स्ट टाइम एंटीजन जब एंटर हुआ है हमारी बॉडी में तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसको कैप्चर किया और हेल्पर टी सेल्स तक लेके गई हेल्पर टी सेल्स के साथ जब एंटीजन वो जाके मिला तो उसने रिस्पॉन्स में केमिकल्स प्रोड्यूस किए इंटरल्यूकिन फोर इंटरल्यूकिन थर्टीन ये केमिकल जब प्रोड्यूस किए तो एंटीजन फिर ये वाले इंटरल्यूकिन फोर ने क्या किया बीटा बी सेल्स को जाके एक्टिवेट किया बी सेल्स की क्लास स्विचिंग की बी सेल्स की क्लास स्विचिंग का क्या मतलब है कि बी सेल्स पहले एंटीजन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे कि जो कि आई जी एम आई जी ए आई जी डी जो मुख्तु किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन इंटरल्यूकिन फोर ने इसकी बी सेल्स की क्लास स्विचिंग कर दी मतलब ये अब सिर्फ एक किस्म की एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकेगा वो होगी आई जी ई क्योंकि आई जी ई ही वो एंटीबॉडी है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है और हाइपर सेंसटिविटी टाइप वन के अंदर इसी का रोल है सिर्फ मेजर तो बी सेल्स क्या करेंगे कि अपनी क्लास स्विचिंग कर लेंगे टू आईजीई एंटीबॉडी तो अब बी सेल्स सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे आईजीई एंटीबॉडी अब दिस आईजीई एंटीबॉडी विल बाइंड ऑन द मैस्ट सेल मैस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं कि मैस्ट सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है एफ सी ई आर वन अब ये इन रिसेप्टर्स के ऊपर आई जी ई एंटीबॉडी जब अटैच होती है तो जब अटैच हो जाती है तो इसके बाद सेकंड टाइम जब वही वाला एंटीजन सेकंड टाइम जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो आईजीई एंटीबॉडी अटैच विद मैस सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है उसी एंटीजन को और उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं मैस सेल से दीज केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इसी केमिकल्स chemical, uh, या मीडिएटर्स की वजह से ही हाइपर सेंसिटिविटी के सिम्टम्स शो होते हैं हमारे पास तो ये क्लिनिकल इफेक्ट्स जो हमारे पास शो होते हैं अब इसकी दिस आई जी ई क्लास एंटीबॉडी दिस आई जी ई एंटीबॉडी गेट्स अटैच ऑन मैस सेल एंड बेजोफील्ड दी सेल्स हैव स्पेशल एफ सी ई आर वन रिसेप्टर द आई जी ई एंटीबॉडी अटैच ऑन द ऑन दिज रिसेप्टर ऑन मैथ सेल्स एंड बेजोफील्ड्स वेन सम एलर्जन एंटर्स अगेन सेम एलर्जन द आई जी ई एंटीबॉडी रिकोगनाइज द एलर्जन एंड दिस एंटीबॉडी इज अटैच ऑन द मैथ सेल्स एंड बेजोफिल्ड्स दे विल प्रोड्यूस सिग्नल्स टू रिलीज कैमिकल्स तो जो हमने सब कुछ पहले पढ़ा था कि मैथ सेल के ऊपर आ के एटीबॉडी आई जी ई ने अटैच किया तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करे जब और वही वाला एंटीजन जब दोबारा आके हमारी बॉडी में एंटर होगा तो मैस्ट सेल्स कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे सिग्नल uh, जिसकी वजह से वो कुछ केमिकल्स uh, प्रोड्यूस करेंगे और हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन इंड्यूस हो जाएगी अब मैस्ट सेल जो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है केमिकल्स मींस मीडिएटर्स जो प्रोड्यूस करता है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे काइना कानानोजिनेज hist और ई सी एफ ए अब जो हिस्टामीन है ये मेजर मीडिएटर है सेल का तो इसका फंक्शन क्या है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन म्यूकस सिक्रीशन वैसोडाइलेशन और वेस्कुलर परमिबिलिटी ट्रिप्टेज इसका फंक्शन है प्रोटियोलाइसिस मतलब कि प्रोटीन की डाइजेशन इसी तरह आगे काइनानोजिनेज की काइन वैसोडाइलेशन वैस्कुलर परमिएबलिटी एडिमा ई सी एफ एसिनोफिन फैक्टर जिसको कहते हैं अट्रैक्ट एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल डायग्नोसिस ऑफ टाइप वन अब डायग्नोसिस पर देखते हैं कि टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं कि किस पर्सन के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन है कि पहला स्टेप है बाय स्किन टेस्ट स्किन टेस्ट अब कुछ पर्सन जो के हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन से सफ़र कर रहे होते हैं वो किस पर्टिकुलर एंटीजन से सफ़र कर रहे होते हैं हम मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन एक किसी एक फ़ूड पार्टिकल्स पार्टिकल जो जिस जिससे उसको एलर्जी है अगर वो फ़ूड पार्टिकल उसकी स्किन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया जाए तो उसकी स्किन अगर वो एंटीजन उसके लिए एलर्जिक होगा तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि स्वेलिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगी उसकी स्किन की तो हमें पता लग जाएगा कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक है सेकेंड मेथड है मेजरमेंट ऑफ टोटल आईजीई लेवल्स आईजीई एंटीबॉडी क्योंकि मेजर एंटीबॉडी है मीडिएटर है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन का तो इसके लेवल को भी हम देख सकते हैं कि अगर ये आईजीई एंटीबॉडी हमारी बॉडी में हमारी सीरम में किस हद तक मौजूद है तो इस लिहाज से किस हद तक मौजूद है फिर हम देख सकते हैं कि पर्सन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन से सफर कर रहा है या नहीं सेकंड टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी इसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी साइटोटॉक्सिक मीन्स इसको साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस हाइपर सेंसिटिविटी इज़ इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ सेल्स ये सेल्स की किलिंग करती है हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहा जाता है अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड टिश्यू टिश्यू स्पेसिफिक ये हाइपर टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी मुख्तलिफ़ टिशूज़ को अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर और वेरियस ऑर्गन को अफेक्ट करती है और टिश्यू स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर जो हाइपर सेंसिविटी टाइप टू है वो किसी और टिशू के अंदर या किसी और ऑर्गन के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू से मुख्तलिफ होगी डिफरेंट होगी तो हाइपर टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर एंटीजेंस दो किस्म के हो सकते हैं या तो वो एक्जोजिनस भी हो सकते हैं या वो एंडोजिनस भी हो सकते हैं एक्जोजिनस एंटीजेंस वो होंगे जो आउटसाइड से आएंगे और एंडोजिनस जो इन साइड द बॉडी होते हैं पहले से ही एक्जोजिनस की एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि हम ड्रग्स लेते हैं मेडिसिन के तौर पर ड्रग्स लेते हैं वो रिएक्ट कभी कर जाए तो वो एक्जोजीनस एंटीजन गिनी जाएगी एंडोजीनस है कि एग्जाम्पल होगी आर एच फैक्टर ब्लड के ऊपर जो आर एच ब्लड सिस्टम होता है वो अब एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन आर आई जी एम और आई जी जी आई जी टाइप वन में हमने देखा तो हमारे पास एंटीबॉडी थी आई जी ई इसके अंदर एंटीबॉडी है उसके uh, देखें तो आई जी एम और आई जी जी इन दोनों में से कोई एक एंटीबॉडी हमारे पास होती है टाइप टू के अंदर एग्जाम्पल ऑफ एक्स एंटीजन एंटीजन की एग्जाम्पल देखते हैं वो वाला एंटीजन जो बाहर से आता है हमारी बॉडी के अंदर ड्रग इंड्यूस्ड एनीमिया ये एक डिजीज का नाम है ड्रग इंड्यूस इंड्यूसड एनीमिया मतलब कि वो वाला एंटीजन ये वाली डिजीज कोस करता है अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि एक पर्सन फॉर uh, एग्ज़ाम्पल के एक पर्सन ने एक मेडिसिन लिया एक ड्रग लिया है और वो ड्रग उसके लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज हुआ है जब वो मेटाबोलाइज हुआ है तो हमारे पास वेरियस मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो गए हैं उस ड्रग से अब वो मेटाबोलाइट्स हमारे ब्लड के अंदर जब एंटर होंगे तो वो ब्लड के सेल्स के रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर जाके अटैच कर जाएंगे जब वो अटैच करेंगे तो उस सरफेस के ऊपर जो मेटाब्लॉडी अटैच होगा उसके ऊपर एंटीबॉडी आके बाइंड कर जाएगी क्योंकि वो उसको फॉरन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करेगी ना तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल होगा फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगी जब एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो कि खुद एक डिटेल्ड टॉपिक है इसको फिर कभी देखेंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट uh, फिक्सेशन uh, के नतीजे में क्या होगा कि लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल जोन से हैं वो लाइस हो जाएंगे वो डैमेज हो जाएंगे तो ये रिएक्शन टाइम इज़ मिनट्स टू हार हाइपर टाइप टू सेंसिटिविटी के अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है ये घंटों तक जा सकता है तो इसका टाइम ये था अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनस एंटीजन एंडोजीनस एंटीजन वो जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो इनको देखते हैं अब पहले एक चीज़ पीछे रह गई है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं ग्रैनुलोसाइटोपिनिया एक लफ्ज़ था यहाँ पे एक टर्म थी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इससे क्या मतलब है अगर जो हमारे मैंने बात की थी पहले के मेटाबोलाइट्स जो हैं वो रेड ब्लड की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं वो सिर्फ रेड ब्लड की सरफेस के ऊपर नहीं अटैच होते वो कहीं और भी अटैच हो सकते हैं अगर जैसे कि अगर वो ग्रैनुलोसाइट्स जिसको वाइट वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं अगर वो मेटाबोलाइट्स वाइट सेल वाइट ब्लड सेल की सरफेस पे अटैच होंगे तो वो उस उस डिजीज़ को हम कहेंगे ग्रैनुलोसाइटोपीनिया मतलब वो वाइट ब्लड सेल्स की लाइसिस कर देंगे अगर वो थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स के ऊपर आगे बाइंड होंगे तो फिर वो कंडीशन होगी थ्रोम्बोसाइटोपीनिया तो मतलब वो प्लेटलेट्स की दे, को डैमेज करेंगे अब एग्ज़ाम्पल ऑफ एंडोजीनस एंटीजन एंडोजीनस एंटीजन जो कि हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है ब्लास्टोस, ब्लास्टोसिस फैटालिस जिसका दूसरा नाम है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एच डी एन अडिथ्रोब्ला ब्लास्टोलिसिस फैटालिस का मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की ब्ला, ब्लास्ट करेंगे रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लास्ट करेंगे इसके अंदर तो ये एक कंडीशन है ग्रोइंग चाइल्ड के अंदर मतलब जो मदर मदर के अंदर होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्रोइंग चाइल्ड होगा इन द दॉम्ब ऑफ़ द मदर इसके अंदर अगर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये हिमोलाइटिक डिज़ीज ऑफ न्यूबोर्न या अडिथरोटालासिस तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये कहते हैं तो अकर्स ड्यू टू आर एच इनकम्पैटिबलिटी बिटवीन मदर एंड फिटर्स आर एच का क्या मतलब है हमारे अंदर दो किस्म के मुख्तु किस्म के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जैसे कि एक ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है दूसरा एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम है आर एच जिसको कहते हैं तो इसकी इनकम्पैटिबलिटी की वजह से ये डिज़ीज़ या कंडीशन अपीयर होती है डिवेलपमेंट ऑफ एंटी आर एच एंटीजेंस इन द मेटरनल सीरम इसको डायग्रामेटिकली हम मजीद डिस्कस करते हैं तो आपको समझ लग जाएगी ये मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ क्रॉस प्लेसेंटा इन सबसिक्वेंट प्रेगनेंसी ये डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं कि ये क्या स्टेप्स uh, हो रहे हैं और किस तरह ये कंडीशन अपीयर हो रही है ये देखें फादर जोन सा है वो आर एच पॉजिटिव है ब्लड फादर का ब्लड और मदर का ब्लड अगर आर एच नेगेटिव है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा अगर प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसका ब्लड जोन सा है वो आर एच पॉजिटिव होगा तो अगर उसका ब्लड आर एच पॉजिटिव है और मदर आर एच नेगेटिव है तो एट डिलीवरी के वक्त बेबी के जो ब्लड है वो कुछ ना कुछ ब्लड मदर के अंदर चला जाता है आर एच पॉजिटिव बेबी ब्लड सेल्स एंटर इन द मदर्स ब्लड स्ट्रीम अब जो आर एच पॉजिटिव ब्लड जो बेबी का है वो मदर के अंदर गया है तो मदर के अंदर क्या होगा आर एच एंटीजेंस प्रोड्यूस हो जाएंगी उसके उसके नतीजे में आर एच एंटीजेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे एंटीबॉडीज़ आर एच एंटीबॉडीज़ सॉरीज कह रहा हूँ आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी उस वो आर एच एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर ही रहेंगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ uh, तो प्रिवेल करती हैं तो आर एच एंटीबॉडीज़ जब अंदर रहेंगी जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी जब सेकंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी आर एच एंटीबॉडी आर एच एंटीबॉडीज़ अटैक द आर एच पॉजिटिव बेबी ब्लड सेल्स कोजिंग आर एच डिजीज़ तो इधर दोबारा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मदर के अंदर आर एच एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी जो कि किस वजह से आई थी कि बेबी का जो ब्लड आर एच पॉजिटिव था वो मदर के अंदर ट्रांसफ़र हो गया था कुछ ब्लड उधर चला गया था तो उसके नतीजे में आर एच पोज एंटीबॉडीज़ हमारे पास आई थी और वो मदर के अंदर ही रहती हैं और जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई मदर की तो वो आर एच एंटीबॉडीज़ जो थी वो बेबी के पास चली गई बेबी के ब्लड में चली गई और उन्होंने के उधर क्या किया बेबी के ब्ल रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस कर दी मतलब बेबी को जो रेड ब्लड सेल्स थे उन वो डैमेज होना शुरू हो गए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबोर्न हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बोर्न अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोजीनस एंटीजेंस आर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी ए डी सी सी इस ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास एंडोजेनस एंटीज़न की इसको हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता ही नहीं है इसके अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम नहीं होता इसके अंदर क्या होता है कि एक एबनॉर्मल सेल है जिसने डिस्ट्रॉय होना है उसके ऊपर डायग्राम में आके देखिए उसके ऊपर एंटीबॉडी ने अटैच किया अब ये एंटीबॉडी ये इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस सेल को किल नहीं करेगा दिस सेल इज़ किल्ड बाय सम अनदर सेल इसको कोई और सेल किल करेगा उस इस सिस्टम को हम कहते हैं ए डी सी सी क्योंकि किलिंग ऑफ सेल बाई अनदर सेल इज़ कॉल्ड ए डी सी सी अब जब एंटीबॉडी ने अटैच किया उस एंटीबॉडी के ऊपर एक और सेल ने आके अटैच किया एंटीबॉडी की कौन सी रीजन पे एफ सी रीजन पे नेचुरल किलर सेल ने अटैच किया नेचुरल किलर सेल जब आके अटैच हुआ तो एंटीबॉडी ने सिग्नल प्रोड्यूस किया सेल की तरफ कि इस सेल को किल कर दो तो वो फिर सेल जो एबनॉर्मल सेल था उसकी किलिंग हो गई अब इस सेल इस प्रोसेस के अंदर नेचुरल किलर सेल्स के अलावा भी कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम है न्यूट्रोफ़िल्स, मैक्रोफेजिज़ और इओसिनोफ़िल्स। तो यहाँ तक थी हमारी आज की डिस्कशन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टू अब आगे मजीद अगली वीडियो में